हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है आज मशीन। ये है साउंड स्पीड 5500, ठीक है, एमटी 5500। तो इसमें कुछ फोल्ड वगैरह थे, तो जो ट्रांजिस्टर ख़राब थे इसके वो मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है ना। मोसफेट थे और इसके ड्राइवर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी मिस्त्री से आई है मेरे पास। तो अब जो है इसको हम रिपेयर करेंगे, और ये इसी का चैनल है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पल्ला चैनल है नहीं, ठीक है ना, बीच में जब डालूँगा जब दिखा दूँगा। तो फिलहाल तो हम इसको वॉश करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, तो जो ये एमटी मैं आपको दिखा रहा था, एमटी 5500, ठीक है ना, तो इसका ये चैनल था, बी चैनल रिपेयर हो चुका है। मैंने ये मोसफेट आप देख रहे होंगे, नई नई टांग के जो लग रहे हैं ये डाले थे, और इसके पीछे जो है सप्लाई ब्रेक हो रही थी वो डाली थी मैंने, और इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब था वो भी ठीक कर दिया, ठीक है ना। और ये पहले से ही चालू है, ठीक है। और इसके पैनल में जो है एनटीसी ख़राब हो गए हैं, जो कि फटे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम इनको दूसरे डालेंगे, ये रहे। तो एनटीसी का नंबर होता है 10D20, ठीक है। आप इनसे हैवी भी डाल सकते हो, और वैसे ये नॉर्मल ठीक है, ठीक है ना, एमटी में बढ़िया काम करते हैं। तो मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ अभी, जब ये ओके हो जाएगा मैं जब दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल तो इस हालत में, तो फाइनली हमने इसको ओके कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने इसका पैनल भी खींच दिया है, पुराने एनटीसी यहीं पर पड़े हैं और नए हम इसमें लगा चुके हैं, ठीक है ना, इधर। और हमने दोनों चैनल ओके करके खींच दिए हैं इसके, और मैन भी इसका खींच दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, और मैं अभी इसका कैप लगाने के बाद आपको चला कर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो मैं भी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और ऐसी हम आपको दिखा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको, ठीक है ना। ये मैंने ऑन कर रखी है मशीन, और हमने ब्लूटूथ लगा रखा है पहले चैनल पर ही, और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इसका पहला चैनल है, और मैं दूसरा चैनल चेक कराता हूँ। अरे तार जोड़िए वाले, तो मैंने ये ए चैनल में थे, ये जिनकी मशीन है उन्होंने तार वायर निकाल रखी है, तो ये मैंने बी चैनल में लगाए हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ से मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ बी चैनल में, ठीक है। तो अब इसका मैं बी चैनल चेक कराता हूँ। इसके दोनों चैनल वेस्ट चल रहे हैं एकदम, और हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।